हेलो फ्रेंड्स, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिखाया गया लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम बनाएंगे चना जोर गरम। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल चना लिया है, जिसको 8 घंटे पहले मैंने भिगो के रखा था। अब मैंने चने में से पानी निकाल लिया है और अब हम 2 गिलास पानी डालेंगे और कुकर बंद करके 2 सीटी होने तक इसे पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना, हमें 2 सीटी ही करानी है। अब हम कुकर खोलेंगे और ये देखिए, हमारे चने इस तरह दब रहे हैं। अब हम इसका पानी निकाल लेंगे। चने हमारे ड्राई हो गए हैं, देखिए। अब हम इसे ऐसे रख के इस तरह से हमें चने को दबाना है। ये देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं और 2-4 चने रख के यहाँ पे ऐसे, और इससे भी ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारे चने जल्दी हो जाते हैं, 4-5-7 में हो जाते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं। और एक टेक्निक आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ये पूरी मेकर लिया है, हम इस पे भी इस तरह चने रख के ऐसे थोड़े अलग अलग चने रखने हैं और फिर इसे इस तरह दबाना है। ये देखिए, ये भी अच्छी तरह हमारे चने देखिए रेडी हो गए हैं। अब हम ये सारे चने एक थाली में रखेंगे। सारे चनों को हमने दबा लिया है, देखिए इस तरह से। अब हम इसे पूरा दिन फैन में सुखाएंगे, धूप में नहीं सुखाएंगे, इसे हमें फैन में ही सुखाना है। ये देखिए, हमारे चना जोर गरम के चने सूख गए हैं। ये देखिए, अब हम इसे सारे चनों को मिक्स कर देंगे और इसे फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब हम चने को इसमें डालेंगे और हमें 1 मिनट ही इसे फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना। ये देखिए, जागाना बंद हो गया, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, क्रिस्पी हमारे चने हो गए। इसी तरह हम सारे फ्राई कर लेंगे। ये हमने फ्राई करके रेडी कर लिया है। अब हम एक बाउल में अमचूर पाउडर डालेंगे। ये मैंने घर पे बनाया हुआ अमचूर पाउडर है और ये हमने काला नमक और नमक, ये दोनों थोड़े थोड़े लिए हैं। हमने चने में नमक नहीं डाला था, इस हिसाब से हमने ये नमक लिया है। और ये लाल मिर्च पाउडर। सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला इसमें डालेंगे। और इसे भी मिक्स कर लेंगे।
आप इसमें मसाला कम ज़्यादा कर सकते हैं। रेडी है हमारा चना जोर गरम। रेडी है चना जोर गरम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।